दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्रामिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमें बेसिक चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखें, उसमें आप चाहे पाइथन है, या फिर आप BBA सीख रहे हैं, या फिर आप जैसे अगर गूगल सीट्स में हैं तो इसमें जावास्क्रिप्ट चलता है। तो कोई भी लैंग्वेज यदि आप सीख रहे हैं तो उसमें लूप जो होता है कॉमन होता है। लूप और अरे, ये जो दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल कॉमन होती हैं। मतलब ये हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका जो है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग होगा, लेकिन काम एक ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लूप का जो एक जो ये लूप है, इसमें मैं फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ऐसे तो लूप जो होता है कई तरीके के होती हैं, जैसे वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, और जो होता है फॉर इन लूप होता है, और फॉर लूप होता है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में, और यहाँ पे मैंने खोल लिया है अपने गूगल सीट का वो जहाँ विंडो जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। जिन लोगों को भी विंडो ओपन नहीं करने का तरीका पता है, मतलब ओपन नहीं कर पाते हैं, उनको मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर से हम चलते हैं यहाँ पे सीधे अपना जिस पेज पे आप यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हैं उस पेज पे। आप जैसे मैं इस पेज पे कोडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको टूल्स ऑप्शन में जाना है और यहाँ से स्क्रिप्ट एडिटर ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। और ये जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो गूगल सीट में जो प्रोग्रामिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से जो होता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ही इसकी कोडिंग करना सीखेंगे। तो अब एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फंक्शन, ये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता है, तो हमें इस फंक्शन का नाम, जैसे यहाँ पे माई फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे माई लूप। तो माई लूप मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्चुअल में दोस्तों, यहाँ पे लूप क्यों ज़रूरी है? लूप उस तब हमें ज़रूरी होता है जब हमें किसी काम को बार बार करना होता है, तो वहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। पर लूप का अपने लिखने का एक तरीका होता है। लूप कैसे लिखे? लूप जब आप लिखेंगे तो लूप के जो होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है पहले इनिशियलाइज करना, दूसरा होता है कंडीशन देना, और इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना है। इसी तीन कंडीशंस पे जो होता है ये लूप चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूप का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें एक ही काम को बार बार करना होता है। और जब आप गूगल सीट्स में चूँकि काम करेंगे तो वहाँ पे लूप की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह से डेटा होती है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं। तो हमें जो होता है कि कभी रो में जाना है, किसी कॉलम में जाना है, तो हो सकता है कभी फर्स्ट रो में जाना है, किसी सेकंड रो में जाना है, थर्ड रो में जाना है। तो मतलब इस तरह से ऊपर जाना, नीचे जाना, और उनके ऊपर नीचे जाते हैं तो वहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, वो सारी चेकिंग करना, वो हम लूप के माध्यम से ही करते हैं। तो लूप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना चाहिए। तो जो कि आज मैं इसमें सिर्फ आपको मैं फॉर लूप सिखाने वाला हूँ। तो फॉर लूप जो होता है लिखते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, और ये फंक्शन और माई लूप मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस करके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज कर लिया है मैंने। अब इसी के अंदर जो भी हमें प्रोग्रामिंग लिखना है वो मैं लिखूँगा। अब सपोज़ मैं, मान लीजिए, अब जैसे आपको कोई काम है, सपोज़ मान लीजिए जैसे हेलो को हेलो लिखना है और वो चार बार टाइप करना है। अब आप यहाँ पे हेलो लिखें, फिर कॉपी करें, फिर पेस्ट करें, तो इससे अच्छा है कि जो होता है एक बार हेलो लिखें और वो लूप में डाल दें, वो ऑटोमेटिक जो होता है चार बार प्रिंट कर दे, या छः बार प्रिंट कर दे, 100 बार प्रिंट कर दें। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अब लिखते कैसे हैं उसको आप देखिए। फॉर, इसके लिए पहले, सबसे पहले तो चूँकि मैं आपको फॉर लूप सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर फॉर आपको लिखना है। उसके बाद जो होता है ब्रैकेट को ओपन और क्लोज़ कर लेना। जैसे ही आप ये करेंगे तो ओपन और क्लोज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद जो होता है आपको कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है। मतलब क्या है कि कंडीशन आपको इसके अंदर लिखनी होती है, जो आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आपको चाहिए वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। तो हम ये सिंपली इसको जो होता है जस्ट नीचे कर लेते हैं। अब फॉर लूप, जैसे मैंने आपको बताया, तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट मतलब फर्स्ट होता है इनिशियलाइज करना, माने हम चलाना कहाँ से चाहते हैं लूप को। इसको चलाने के लिए मतलब जो हम चलाएं, जो भी हम एक्टिविटी करें उसको जो होता है कहीं भी हमें स्टोर करना पड़ता है। तो जैसे मैंने उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, वेर
और यहाँ पे लिख लिया i, और i इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, मतलब मैं जब स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो 0 से स्टार्ट हो और उसके बाद फिर आपको सेमी कॉलन देना है। अब होता है कंडीशन, मतलब किस कंडीशन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, मतलब जैसे आप रो में चलना चाहते हैं, मैं 5 बार चलाना चाहता हूँ लूप, मैं चाहता हूँ 6 बार चलाना चाहता हूँ, या फिर 10 बार चलाना चाहता हूँ, 100 बार चलाना, तो वो कंडीशन जो होता है आपका सेमी कॉलन के बाद आपको देना है। फर्स्ट होता है इनिशियलाइज, सेकेंड होता है आपका कंडीशन। कंडीशन आपको क्या देना होगा, मान लीजिए आपको जो होता है इसको 5 बार जो होता है या 6 बार चलाना है, जो भी है, लेस देन इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन फिर से देना है। अब चूंकि ये हो गया, जैसे हमने कर्ली ब्रेसेस जो होता है, कर्ली ब्रेसेस जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं, मतलब एक कंडीशन कंप्लीट हुई, फिर आप जो होता है दूसरा कर्ली ब्रेस यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं, तो यहाँ से दूसरी जो है आपकी कंडीशन कंप्लीट हुई, मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया फर्स्ट कर्ली ब्रेस जो होता है सेमी कॉलन देने से पहले के जो ये डेटा है इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइज करना। और यहाँ पे होता है ये जो दूसरा हमने लिखा है ये है कंडीशन, मतलब हमें किस कंडीशन के आधार पे इस लूप को चलाना है, जो हमने इनिशियलाइज की है वैल्यू उसको किस कंडीशन पे चलाना है, और उसके बाद चलाने हैं तो हमें किस कंडीशन से आगे बढ़ना है, मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, आई को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। अब हमें जो होता है बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे क्या जो होता है आउटपुट चाहिए, तो हमें आउटपुट में सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वायर जो होता है एक डेटा यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, जिसमें मुझे हेलो जो होता है टाइप करना है 5 बार, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख लिया हेलो, और यहाँ पे जस्ट वायर एक वायर आउटपुट, कि हमें आउटपुट दिखाना है, आउटपुट में हमें दिखाना है मेरा हेलो आना चाहिए, तो इसको मैं आपको लॉगर लॉग में जो होता है प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 5 बार जो होता है ये प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वेर है मेरा आउटपुट, ये देखिए, और इसके बाद फिर से आपको सेमी कॉलन देना है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी हमें सेमी कॉलन देना होगा। अब यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा मैंने लूप बनाई है और मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रन, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे 5 बार जो है हेलो, यहाँ पे 6 बार जो होता है, क्योंकि मैंने इक्वल और इक्वल का साइन दिया हुआ है 0 से लेकर के 5 बार, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, वो 5 तक जाएगा, इट मीन्स वो 6 बार यहाँ पे हेलो टाइप कर दिया। अगर आपको यहीं काम करना होता मैनुअली, या फिर आपको एक बार हेलो लिखते फिर वहाँ से कॉपी करते, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता, लेकिन अगर आप यही काम अपने लूप से किया तो देखिए यहाँ पे तुरंत काम हो चुका है। ये तो मैं एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लूप काम कैसे करता है। अब मैं आपको, अब सपोज़ मानिए यहाँ पे हमारे पास डेटा है, और इस डेटा को जो होता है हमें ये चेक करना है कि वैल्यू एक एक सेल की हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये जब आप कभी कभी, अभी मैं छोटा चूँकि एग्जांपल है, और जब आप यहीं बड़े एग्जांपल मतलब बड़े बड़े जब एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इसी वैल्यू को जो होता है यहाँ पे चेक करनी है, तो हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ के मतलब इसकी वैल्यू को एक एक हमें रो में चेक करानी है, तो हमें ये जो होता है रो में एक एक करके ऊपर या नीचे जाना है, मतलब हमें यहाँ पे बार बार रिपीट एक्शन करना है, तो यहाँ पे भी हम जो होता है लूप का ही इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में आपको लूप की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसमें मैं आपको इसकी वैल्यू को जो होता है यहाँ पे एक एक वैल्यू जो होता है चेक करके दिखाता हूँ कि आप इसको जो होता है लूप के अंदर कैसे ले सकते हैं। चलिए इसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं गूगल सीट में, और यहाँ पे जो अभी हमने इसको बनाया है इसको मैं चाहूँ तो इसको जो लूप का जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, और मैं जस्ट ऊपर में चलता हूँ, और यहाँ पे पहले हम स्प्रेडशीट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो भी स्प्रेडशीट की वैल्यू होगी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लेते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट, चूँकि ये देखिए मेथड है, तो मेथड में हमेशा आपको जो होता है स्क्वायर ब्रेसेस देने होते हैं, यही अगर प्रॉपर्टीज़ होती तो आपको जो होता है यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये सारे मेथड हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये मेथड है, तो मेथड जब भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस देना होगा, लेकिन अगर आप जब यहीं पे अगर मैं अभी आगे दिखाऊंगा, अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मान लीजिए मैं कह दिया गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट डॉट गेट एक्टिव सीट भी कह सकते हैं, या फिर गेट सीट बाई नेम। अब इससे क्या होगा,
एक्टिव सीट का मतलब आप जिस भी सीट में बैठे हैं, अब मैं एक्टिव स्प्रेड सीट, एक्टिव सीट और गेट सीट बाय नेम में मतलब क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये सीट पे बैठा हूँ तो ये मेरा एक्टिव सीट है, अभी मैं अगर इस सीट में आ जाऊँगा तो ये मेरा एक्टिव सीट हो जाएगा। अगर मैं गेट सीट बाय नेम कर दूंगा तो पर्टिकुलर जो होता है इसको गूगल सीट की मेमोरी में ये एलोकेट हो जाएगा कि हम पर्टिकुलर किस सीट की बारे में बात करें। मैं इसी सीट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ जो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसे जो होता है पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखिए ये यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं कॉमा सेमी कॉलन दे देता हूँ। तो इससे क्या हो गया कि मेरा उस स्प्रेड शीट में हम पहुँच चुके हैं और उसकी कोई वैल्यू को जो होता है हम ले मैंने फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। एस एस मतलब क्या होगा, ये आपका सीट नेम, सीट नेम को मैंने एस एस में स्टोर कर दिया। एस एस डॉट गेट रेंज, गेट रेंज में हम जो होता है किसकी वैल्यू हमें चाहिए, मान लीजिए हमें जो होता है इसकी वैल्यू चाहिए इस वाले की, तो ये कौन से नंबर जो होता है रो से स्टार्ट है, ये दो नंबर रो से स्टार्ट है, दो नंबर कॉलम से। ये देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,2, क्योंकि पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा होता है कॉलम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, फर्स्ट होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। अब कहाँ तक हमें जो होता है वैल्यू लेके जानी है, मान लीजिए मुझे अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 10 रो नीचे तक की वैल्यू को आपको दिखा देता हूँ। 10 रो की नीचे तक चलनी है और कौन से कॉलम से, ये मतलब कितने कॉलम तक की वैल्यू दिखानी है। मान लीजिए मुझे एक ही कॉलम मतलब मुझे इसी की जो है वैल्यू आपको दिखानी है, ये है पहला कॉलम, मतलब एक ही कॉलम तक जाना है मुझे, ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये हमारा गेट रेंज हमने फाइंड आउट कर लिया। डॉट गेट वैल्यूज़, गेट वैल्यूज़ देखिए ये भी मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्क्वायर ब्रेसेस लगाने होंगे और यहाँ पे फिर आपको सेमी कॉलन दे देना है। तो अभी हमने जो भी एक्टिविटी की है वो क्या है इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे लॉगर लॉग पहले यूज़ किया है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो हम एक वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं वेर, क्योंकि जो इस जो हमने हमको वैल्यू मिली है उसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। और वेर यहाँ पे हम माई वैल्यू के नाम से इसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन दिया, तो ये जो माई वैल्यू है ये हमारा स्टोर हो चुका है, जो माई वैल्यू के अंदर जो भी डेटा है वो स्टोर हो चुकी है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अभी क्या है। तो हम कंट्रोल वी के यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको हम एक बार इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये देखिए तो ये कमेंट हो चुका है और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको जस्ट यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम है तो मैंने इसको हटा दिया अभी, तो अभी ये सही है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, मैं इसको करता हूँ रन। तो अभी उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ देखिए, एस एस डॉट गेट रेंज डॉट गेट वैल्यूज इज़ नॉट ए फंक्शन। तो अभी हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आई ऐसा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉट गेट वैल्यूज़, माई वैल्यू यहाँ पे हो रहा है गेट रेंज, यहाँ 2,10 एस एस डॉट गेट रेंज 2,2 कॉलम डॉट गेट वैल्यूज माई वैल्यू। ओके यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फॉर लूप यहाँ पे प्रॉब्लम है। रो नंबर ये देखिए यहाँ पे डॉट गेट वैल्यूज़, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जो है केस सेंसिटिव होती है। तो मैं अभी चूँकि इसको बड़ा लिखना चाहिए तो मैं इसको कैप्स में कर देता हूँ गेट वैल्यूज़, और इसके बाद फिर से आपको सेव करना है और रन कर देना है। ये देखिए यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये 10 रो तक की जितनी भी नीचे 10 रो तक के नीचे ये जा कर के सारी वैल्यू को यहाँ पे पिक कर लिया। अब इसी वैल्यू को अगर आपको लूप के थ्रू इसे चेक करना है तो आप इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो है ये चूँकि लूप आप जब भी लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, और इसको लिखने का तरीका है मान लीजिए मैं आई को 0 से स्टार्ट करूँगा, मतलब वो 0 वैल्यू से जो होता है यहाँ पे चलेगा। मैं इसको एक बार फिर से कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं आपको एक एक सेव करके फिर से रन करा के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए यहाँ पे होता है, ये पहले ऊपर यहाँ पे एक बाहर में स्क्वायर ब्रेसेस है और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रेसेस है, मतलब आउटर में एक स्क्वायर ब्रेसेस है, उसके बाद इनर में अलग अलग स्क्वायर ब्रेसेस है। मतलब ये है कि
यहाँ से ये यहाँ पे देखिए कॉमा लग रहा है, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से कॉमा लग रहा है, फिर यहाँ से तीसरा स्क्वायर ब्रेसेस, इसी तरीके से मतलब स्क्वायर ब्रेसेस हर वैल्यू के लिए अलग अलग लगी हुई है। तो इट मीन्स ऐसे में क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वह, और हर वैल्यू में जो था सिंगल आइटम है, हर स्क्वायर ब्रेसेस में आप देखेंगे एक ही आइटम है। तो इट मीन्स क्या हो गया, जितने भी आइटम है वो हमारे रो में है। अगर आप यहीं, अगर मेरे डेटा जो थे कॉलम में होते, तो ये जो स्क्वायर ब्रेसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे कॉमा लग करके आगे की वैल्यू होती है। तो मैं अभी आगे वाले वीडियो तो में वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आउटर स्क्वायर ब्रेसेस है उसके अंदर जो सिंगल स्क्वायर जो, तो सिंगल जो स्क्वायर ब्रेसेस है उसमें केवल एक ही वैल्यू है, इट मीन्स। और उसके बाद फिर जो था दूसरा स्क्वायर ब्रेसेस बन रहा है और उसमें अंदर एक ही वैल्यू थी, इट मीन्स जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारा एक रो के नीचे, एक रो के नीचे इस तरह से पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, और लूप जो होता है पहले वो एक इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे जाएगा, फिर जो होता है वन इंडेक्स पे जाएगा, फिर वो टू थ्री ऐसे करते आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू मेरा जो होता है नाइन तक जाए। मैंने यहाँ पे सिंपली कंडीशन यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे हम उसका आउटपुट चाहते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट आउट ख़त्म करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी हमें कर्ली ब्रेसेस देना होगा, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस जो होता है ये फॉर लूप का है यहाँ तक ये वाला, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमारा जो फंक्शन है उसके लिए है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दिए, जिससे मेरा फंक्शन भी जो होता है इसके अंदर क्लोज हो जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए आई जो होता है हमारा जो था लेस देन और इक्वल टू नाइन, चूंकि हमें 10 तक की वैल्यू लेती है, और इसलिए मैंने इसको लेस देन और इक्वल 9 के बराबर मैंने इसको चलाने दिया है। अब हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। इसके लिए फिर से हम वही लॉगर डॉट लॉग यहाँ पे, चूँकि हमारा जो वैल्यू है वो किस में स्टोर है, माई वैल्यू में, तो आपको यहाँ पे लिखने को माई वैल्यू, और किसकी वैल्यू हमें दिखानी है, जो हमारा आई एक एक जो होता है इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू हमें दिखानी है। तो यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है वो अरे के अंदर स्टोर है, चूँकि मैंने आपको दिखाया है जो भी वैल्यू है वो इसी तरीके से एक अरे के अंदर ही आ रही है, तो हमें इसी तरीके से इसको देना होगा एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। आई आई जब ज़ीरो होगा तो फर्स्ट कॉलम की जो था आपको जीरो इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा, और मैं यहाँ पे इसको सेमी कॉलन देता हूँ, और ये जो है यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए वो सारी जो वैल्यू है वो एक एक करके यहाँ पे आ गई है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये माई वैल्यू ये पहले से यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ, फिर से सेव करता हूँ, और सिर्फ यही वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ। रन करता हूँ इसको एक बार, और ये देखिए सारी वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो करके आ गई हैं। ये देखिए स्टार्टिंग हो रही है, वो यहाँ पे 2000 है, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखिएगा स्टार्टिंग यहाँ पे 2000 से हो रही है, और ये 10 टाइम्स जो होता है चल के यहाँ पे सारी वैल्यू जो है पिक कर ले रही है। तो दोस्तों ये एक्चुअल में फॉर लूप है का एक बेसिक वीडियो है, और यहाँ पे आपने फॉर लूप कैसे काम करता है वो ज़रूर समझा होगा, और ये आगे चल के हमारे जो जब हम कॉम्प्लेक्स कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो होता है आपको आनी चाहिए, और वो चीज़ें, ये चीज़ें जो होता है वहाँ बहुत काम आएगी। आज के वीडियो में मैंने फॉर लूप आपको सिखाया है, आगे मैं वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉरिन लूप और की जो होता है भी वीडियो लाऊंगा, और वहाँ भी मैं इसको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।